भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित साझा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे बसंत अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मुझ जैसे कर्मठ निष्ठावान सक्रिय कार्यकर्ता को पार्टी से निकालकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। रायपुर पश्चिम विधानसभा में मेरी अनुपस्थिति से मंत्री राजेश मूणत को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ साझा विधानसभा से मेरे द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण संसदीय सचिव लाभचंद बाफना को अपनी विधानसभा सीट गंवानी पड़ी। सबसे प्रमुख यदि कोई मुद्दा था तो वो था परिवर्तन, जो कांग्रेस ने शब्द इस्तेमाल किया परिवर्तन, और यदि आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो जनता परिवर्तन कर देगी। भारतीय जनता पार्टी में साल भर से चल रहा था, हमारे संघ के लोग भी बोल रहे थे कि चेहरा परिवर्तन करना आवश्यक है, लेकिन चेहरा परिवर्तन नहीं करके बहुत बड़ी भूल हुई है। युवाओं को टिकट ना देकर बहुत बड़ी भूल हुई है। आप एक भी युवा नहीं बता सकते 90 विधानसभा में जो कि बताया जाए कि हमने इस युवा को टिकट दी है। मूल विषय में कुछ था तो परिवर्तन था। यदि भारतीय जनता पार्टी चेहरे परिवर्तन कर देती तो निश्चित रूप से आज परिणाम कुछ और होता, मेरा ऐसा मानना है। बसंत अग्रवाल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने सक्रिय निष्ठावान कार्यकर्ता की उपेक्षा करके प्रदेश में अपनी हार का रास्ता स्वयं ही तैयार किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी ने इस हार से सबक लेकर कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं की तो लोकसभा चुनाव से भी भारतीय जनता पार्टी को हार गंवानी पड़ेगी। हमें भाजपा का एक ही हार का कारण है, लाभचंद जी बाफना, जो उन्होंने 5 साल जनता को त्रस्त किया, सिर्फ वसूली की, अवैध वसूली की, और आखिरी में उन्होंने जनता से ये कह दिया तुमको देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। ये बहुत बड़ा रीजन बना, और युवाओं का वहां से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनना बहुत बड़ा रूप से। शराबबंदी एक बहुत बड़ा विषय था और कांग्रेस ने उसको भुनाया। शराबबंदी करना था सरकार को, शराबबंदी करने की बजाय सरकार खुद लाइसेंस से बेच रही थी, बिल्कुल गलत बात थी। और अब हम कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस आई है, उन्होंने कहा है शराबबंदी इनके प्रमुख मुद्दे हैं और ऋण माफी इनके प्रमुख मुद्दे हैं, अगर ये नहीं करते हैं तो हम इनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, निश्चित रूप से सड़कों पे रहेंगे। बसंत अग्रवाल ने यह भी कहा कि अगर पार्टी उनका निलंबन वापसी लेती है तो भाजपा के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ आगामी दिनों में होने वाले चुनाव में कार्य करेंगे। फिलहाल उन्होंने जहां भाजपा की हार की वजह बताई, वहीं पार्टी में वापसी होने पर पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का दावा किया।